हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टू का इंग्लिश का चैप्टर थ्री का आ स्माइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोयम आ स्माइल। ठीक है, तो आ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गोन यू विल नॉट गो फाइंड इट्स अ सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। तो क्या बोल रहे हैं कि स्माइल जो है वो एक मजाकिया चीज है जो हमारे चेहरे पे, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां लाता है। ये जो गड्ढे आते हैं ये सब, इनको झुर्रियां बोलते हैं। ठीक है, और जब वो चला जाता है स्माइल, तो आप उसे कभी ढूंढ नहीं सकते क्योंकि उसके पास छुपने के लिए एक सीक्रेट जगह है। सीक्रेट मतलब राज की जगह है जो किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, बट फॉर मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल कैन डू। यू स्माइल एट वंस, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। तो आप क्या बोल रहे हैं कि एक कमाल की बात वो है कि जब स्माइल क्या कर सकता है, ये है कि स्माइल क्या कर सकता है, स्माइल ये कर सकता है कि एक स्माइल को दो बना सकता है। कैसे? आप अगर मैं आपको देख के हंसूंगी तो आप भी मुझे देख के हंसेंगे, तो ये दो स्माइल बन जाती है। ओके, तो अब इसके न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। ये क्या है? रिंकल। रिंकल मतलब हमें ये वर्ड्स इस पोएम से सीखने को मिलेंगे। क्या है? रिंकल है। रिंकल मतलब झुर्रियां। ये क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट मतलब राज जो किसी को मालूम ना हो। अब ये क्या है? हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने की जगह। हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने की जगह, जहां छुपते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ओके, व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग? तो स्माइल जो है वो एक मजाकिया चीज क्यों है? स्माइल एक मजाकिया चीज क्यों है? बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस, क्योंकि वो हमारे फेस पे झुर्रियां लाती है, रिंकल्स आते हैं। Then what happens when you smile at someone? क्या होता है अगर आप किसी को देख के स्माइल करेंगे तो क्या होगा? वो भी आपकी तरफ देख के स्माइल करेगा। He also smiles at me. अगर मैं उसकी तरफ देख के स्माइल करूंगी तो वो भी मेरी तरफ देख के स्माइल करेगा। अब मैं आपसे ऐसी ओरली एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसको ज्यादा रिंकल्स आते हैं? आपके घर में होंगे ऐसे रिंकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, कौन? यस, अवर ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर्स। तो दोनों को क्या बोलेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स, अवर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब हम करने वाले हैं राइट देयर राइमिंग वर्ड्स। तो अब आपको थिंग, फेस, बट, कैन, डू, ये सब का राइमिंग वर्ड बताना है। पहले आप मुझे बताइए कि थिंग का क्या राइमिंग वर्ड होगा? थिंग का, थिंग मतलब चीज, और थिंग के जैसा सिंग, तो सिंग, सिंग मतलब गाना। देन फेस का, फेस मतलब चेहरा, फेस का रेस, रेस मतलब आप लोग जानते होंगे दौड़, दौड़ लगाते हैं, बहुत सारे बच्चों को खड़े करते हैं, फिर जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, ऐसा होता है ना, आपके स्कूल में होता होगा। फिर बट, बट मतलब लेकिन। अब उसका राइमिंग वर्ड क्या होएगा? कट। कट मतलब काटना। कैन, कैन मतलब सकना, जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। देन डू का टू, डू मतलब करना, टू मतलब से। ठीक है, कंप्लीट द वर्ड। तो अब हमें
वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट द वर्ड्स। सबसे पहले क्या है, W R I डैश K L E S, तो वहां क्या आएगा, ये क्या है, रिंकल्स है, तो यहाँ N आएगा, यहाँ क्या आएगा, N। रिंकल्स की स्पेलिंग क्या है, W R I N K L E S, मेरे साथ बोलो W R I N K L E S, ठीक है? देन S M I डैश A, तो ये क्या होएगा, स्माइल। यहाँ पे L आएगा। अब आप मेरे साथ स्माइल की भी स्पेलिंग बोलेंगे, S M I L E, बोलिए S M I L E। देन W O डैश D E R, क्या आएगा, N। यहाँ N आएगा। अब मेरे साथ बोलिए W O N D E R, वंडर, बोलिए W O N D E R, वंडर। देन ये क्या है, N E डैश R, तो ये क्या होएगा, नियर। नियर की स्पेलिंग मेरे साथ बोलिए, नियर की स्पेलिंग N E A R, बोलिए N E A R, यहाँ पे A। देन ये क्या है, F U N Y डैश Y, तो N डैश में क्या आएगा, N, F U N N Y, क्या, F U N N Y, फनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।